दोस्तों आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाया जाता है। तो अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे ये काम करती है और कैसे इससे पैसा कमाया जाता है, तो आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और आप बिल्कुल अच्छे से जान जाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे इससे पैसा कमाया जाता है, और आप खुद भी क्रिप्टो करेंसी से अच्छा पैसा कमाना सीख जाएंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या, उसके बाद इससे पैसा कैसे कमाया जाता है ये भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। वैसे दोस्तों शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के पड़ोसी यानी कि बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर ले, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसे जानने से पहले आपको जानना होगा कि करेंसी क्या होती है। तो हर देश की अलग अलग करेंसी होती है, जैसे इंडिया की करेंसी है रुपीज, यूएस की करेंसी डॉलर है, और यूरोप में यूरो नाम की करेंसी चलती है। और जिस देश की भी करेंसी होती है उस देश की सरकार उस करेंसी को चलाती है और उसे कंट्रोल करती है, और करेंसी की मदद से आप कोई भी सामान या सर्विस खरीद सकते हैं। जैसे कि आपको अगर राशन का सामान खरीदना है तो आपको करेंसी की जरूरत पड़ेगी यानी कि पैसों की जरूरत पड़ेगी, या फिर अगर आप अपनी कार की सर्विस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको करेंसी यानी कि पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो करेंसी क्या होती है ये आपने जान लिया, अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है ये भी जान लेते हैं। तो करेंसी को तो आप नोट के रूप में हाथ में ले सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं, पर क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है क्रिप्टो और दूसरा है करेंसी। तो क्रिप्टो जिसका मतलब होता है हिडन यानी छुपा हुआ, और दूसरा शब्द है करेंसी, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी एक छुपी हुई करेंसी है जिसे आप देख नहीं सकते और हाथ में भी नहीं ले सकते। ये करेंसी सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद होती है यानी कि ये एक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत साल 2009 में हुई थी और सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी का सिर्फ एक ही रूप था, वो है बिटकॉइन। दोस्तों जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हैं वो लोग सिर्फ इंटरनेट की मदद से ही इसे खरीदते हैं, और इसका इस्तेमाल लोग पैसा कमाने से अलग दूसरों को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी करते हैं। इस टाइम इंटरनेट पर 5000 से ज्यादा अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है जिसमें बिटकॉइन सबसे ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टाइम बिटकॉइन की कीमत लगभग 15 लाख रुपए चल रही है। तो अब मान लो आपके पास एक बिटकॉइन मौजूद है और आपको अपने दोस्त मोहन को 15 लाख रुपए देने हैं, तो अब आप अपना एक बिटकॉइन अपने दोस्त मोहन के मोबाइल पर अपने मोबाइल से ही ट्रांसफर कर सकते हैं, और आपके दोस्त मोहन को जो एक बिटकॉइन आप देंगे तो उस बिटकॉइन को मोहन अपने मोबाइल से ही बेचकर लगभग 15 लाख रुपए अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकता है। तो दोस्तों जिस तरह से बिटकॉइन है इसी तरह से और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पर मौजूद है जिनकी कीमत अलग अलग है, जिनमें से कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसी है जैसे इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, लिब्रा और टेथर। और दोस्तों जिस तरह से इंडियन रुपीज की कीमत या किसी डॉलर की कीमत घटती बढ़ती रहती है, इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी की भी कीमत घटती और बढ़ती रहती है। और क्रिप्टो करेंसी की जो लेन देन होती है वो इंटरनेट के हाई सिक्योरिटी लेयर्स पर होती है यानी कि ये लेन देन काफी ज्यादा सेफ होता है। और अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो आप उसे भी बेचकर मिलने वाले पैसों को अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं सिर्फ अपने मोबाइल की मदद से, यानी कि ये आपकी एक इंटरनेट करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी है जो कि आपके पास इंटरनेट पर मौजूद रहती है और जिसका इस्तेमाल आप इंटरनेट पर अलग अलग तरह के पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं या फिर कुछ खरीदने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैसों की जरूरत पड़ने पर इस करेंसी को बेचकर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा कभी भी मंगवा सकते हैं, और ये सारा काम आप आसानी से अपने मोबाइल की मदद से या लैपटॉप की मदद से भी कर सकते हैं। दोस्तों बैंक से अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो बैंक वाले आपसे अच्छी खासी फीस वसूलते हैं, पर अगर आप क्रिप्टो करेंसी को किसी को ट्रांसफर करते हैं तो इसमें आपकी फीस ना के बराबर ही लगती है। दोस्तों ये तो आपने जान लिया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो अब आते हैं अपने दूसरे मेन टॉपिक पर कि क्रिप्टो करेंसी से इतना ज्यादा पैसा लोग कैसे कमा रहे हैं और आप कैसे इससे पैसा कमा सकते हैं। देखिए पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी से बहुत बड़ी संख्या में लोग रोजाना बहुत मोटा पैसा कमा लेते हैं, इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी का क्रेज पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो कैसे होती है क्रिप्टो करेंसी से कमाई, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का कोई एक रेट नहीं रहता और हर क्रिप्टो करेंसी का रेट घटता और बढ़ता रहता है। तो लोग कम पैसों में क्रिप्टो करेंसी को खरीद कर ज्यादा पैसों में बेचते हैं, और ऐसे ही लोग बाद में काफी मोटा पैसा इससे रोजाना कमा लेते हैं, क्योंकि रोजाना अलग अलग क्रिप्टो करेंसी के रेट कभी ऊपर होते हैं तो कभी नीचे, और इसी तरह से लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं और रेट नीचे आते ही किसी क्रिप्टो करेंसी को खरीद लेते हैं और रेट ऊपर जाते ही उसे बेच देते हैं। इस तरह से क्रिप्टो करेंसी में लोग ट्रेडिंग करते हैं और पैसा लोग इससे इसलिए कमा पाते हैं क्योंकि रोजाना जो रेट क्रिप्टो करेंसी के घटते और बढ़ते हैं उसमें कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, और जो लोग रोजाना क्रिप्टो करेंसी को खरीदते और बेचते हैं वे लोग इन पैटर्न्स की पहचान कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोग रोजाना अपने मोबाइल से क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने का काम करके पैसा कमाते हैं। पर दोस्तों लोग यहां पर सिर्फ पैसा
पैसा कमाते ही नहीं बल्कि आप यहाँ पर पैसा गवा भी सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत सी बार बिना अच्छे से समझे क्रिप्टो करेंसी खरीदना और बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। पर अगर आप इसे अच्छे से समझ कर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी उम्मीदों से भी ज्यादा पैसा रोजाना कमा सकते हैं, क्योंकि पहले से ही पूरी दुनिया में और इंडिया में भी लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं और लाखों में कमाई करते हैं, और बहुत से लोग तो करोड़ों में भी कमाई कर रहे हैं सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करके। और दोस्तों, दूसरा तरीका क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाने का होता है इन्वेस्टिंग, यानी कि आप किसी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ महीनों या सालों के लिए छोड़ सकते हैं और जब उस करेंसी का रेट बढ़ जाए तब आप उसे बेच सकते हैं। जैसे कि एक बिटकॉइन की कीमत जून 2011 में 750 रुपए की थी और जून 2013 में इसकी कीमत 5000 रुपए की हो गई थी। उसके एक ही साल बाद जून 2014 में इसकी कीमत 30600 रुपए चली गई थी और आज के टाइम में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 15 लाख रुपए। तो इस तरह से किसी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ महीनों या सालों के लिए छोड़ देना और फिर उस पर प्रॉफिट कमाना, ये होता है इन्वेस्टिंग वाला तरीका। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से भी लोग पैसा कमाते हैं, जिसका एग्जांपल हमने ऊपर आपको दिया है, जिसमें रोजाना कई बार लोग क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हैं और बेचते हैं और रोजाना के हिसाब से प्रॉफिट कमाते हैं। और अगर आप इससे कमाई करना चाहते हैं तो पहले आपको क्रिप्टो करेंसी के रेट किस तरह से बढ़ते और घटते हैं ये देखना होगा, और इसके लिए आपको पहले बहुत छोटे से अमाउंट से क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब आप क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना कैसे शुरू कर सकते हैं ये जान लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने के लिए इंडिया में बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई हुई है, और इन मोबाइल एप्लीकेशंस की मदद से ही क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने का काम किया जाता है। और इंडिया में जिन एप्लीकेशंस की मदद से क्रिप्टो करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है उनमें टॉप 5 ट्रस्टेड और अच्छी एप्लीकेशंस का नाम है वजीरएक्स, कॉइन डीसीएक्स, जेपे, बाइनेंस और कॉइन स्विच कुबेर। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना शुरू करके पैसा कमाना चाहते हैं तो इन पांचों में से किसी भी एक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हें डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में इनके लिंक्स मिल जाएंगे, और किसी भी एक एप्लीकेशन के लिंक पर आप क्लिक करके उसको डाउनलोड करके वहां पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। और किसी भी एप्लीकेशन पर अकाउंट बनाने के लिए आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स जैसे आपका नाम और एड्रेस की डिटेल देनी होगी और अपना अकाउंट नंबर बनाना है। अकाउंट नंबर बनाने के लिए आपको अपनी आईडी जैसे आधार कार्ड या कोई दूसरी आईडी का फोटो लगाना होगा। इसके अलावा पैन कार्ड का फोटो भी आपको यहाँ पर लगाना होगा और आपको अपने बैंक अकाउंट की पासबुक का फोटो भी यहाँ पर लगाना होगा, और इसके बाद आपका बैंक अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। अकाउंट बनने के बाद आप अपनी क्रिप्टो करेंसी वाली एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट से पैसा डाल सकते हैं। अगर आप 1000 रुपए अपनी क्रिप्टो करेंसी वाली एप्लीकेशन में डालोगे तो 1000 रुपए की क्रिप्टो करेंसी आप खरीद सकते हैं। तो अपना अकाउंट बनाने के बाद आप बहुत छोटे से अमाउंट जैसे कि 100 रुपए या 50 रुपए से क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना शुरू करके अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि अब आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के घटने और बढ़ने के पैटर्न को पहचान रहे हैं, यानी कि आपको क्रिप्टो करेंसी कैसे घट रही है और बढ़ रही है इसका पता अगर आपको लगने लगे, तो आप ज्यादा पैसे अपने क्रिप्टो करेंसी वाली एप्लीकेशन में डालकर ज्यादा पैसों से क्रिप्टो करेंसी खरीदना और बेचना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये काम आपको एक ही दिन में नहीं आ जाएगा, इसमें आपको अपना थोड़ा टाइम लगाना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।